दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रेलवे में अभी तक कितने फॉर्म भर फिल किए जा चुके हैं, ग्रुप डी और टेक्नीशियन और असिस्टेंट लोको पायलट का। तो टोटली कितने भी फॉर्म भरे जा चुके हैं आज 28 मार्च तक, तो उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया गया है। अभी तक हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली वीडियो रेलवे एग्जामिनेशन से रिलेटेड स्टडी मटेरियल का वीडियो मैं प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, और आपको कोई भी न्यूज़ है रेलवे के रिलेटेड तो आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आप अभी तक हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके www.itofficerjob.com पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जा गया है। यहाँ पे जाके आप स्टार्ट क्विज करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं अपने नॉलेज को। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा लिंक www.itofficer.com पे। यहाँ पे जाके MCQ पे जाके यहाँ पे क्वांटिटी आप जो रीजनिंग इंग्लिश GS GK सारे का आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते देखते हैं कि अपडेट क्या है। तो अपडेट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है जो कि पब्लिश हुआ है 27 मार्च को 10:13 में सुबह को। तो सबसे पहले देखते हैं कि पब्लिश क्या हुआ न्यूज है क्या की। तो रेलवे की नौकरी के लिए दिल्ली की जनसंख्या से भी ज़्यादा लोगों ने आवेदन किए हैं। मीन जितने भी आवेदन आए हैं और दिल्ली का जितना जनसंख्या है उससे ज़्यादा है। तो दोस्तों कंपटीशन काफ़ी टफ है, तो आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट कंटिन्यू रखें। अभी तक करीब 2 करोड़ से अधिक लोगों ने आवेदन प्राप्त कर चुके हैं। आपको बता दें कि रेलवे की 90,000 पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन की तारीख 31 मार्च है। रेलवे ने बताया कि उसके करीब 1,00,000 रिक्त पदों के लिए 2 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। समूह ग और घ के 90,000 पदों, रेल सुरक्षा बल के 9,500 पदों के लिए ऑनलाइन भी परीक्षा होनी बाकी है। रेलवे मंत्री ने के एक अधिकारी ने कहा, अभी तक 2 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने इस पद के लिए आवेदन किया है। यह संख्या अभी और बढ़ेगी क्योंकि समय सीमा समाप्त होने में अभी दिन शेष है, क्योंकि अभी 2 या 3 दिन बचे हुए हैं। अधिकारी ने कहा कि सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन की 50,000 से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। लोको पायलट और टेक्नीशियन के 26,502 और समूह घ के 26,907 पद भरे जाने हैं। आपको बता दें कि रेलवे द्वारा निकाली गई अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। एक रेलवे अधिकारी के मुताबिक नियुक्ति प्रक्रिया में 1.5 से 2 साल तक का समय लगने की संभावना है। तो दोस्तों ये कंप्लीट एग्जामिनेशन जो प्रोसेस होगा उसमें जो समय लगने की वो 1.5 से 2 साल तक कंप्लीट होने की संभावना है। तो दोस्तों ये संभावना है, इससे ज़्यादा और भी बढ़ सकता है। इन परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अप्रैल और मई में हो सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही किया जा सकता है। आपको बता दें कि परीक्षा के लिए 15 भाषाओं में उपलब्ध होगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी। ये बेसिकली न्यूज अपडेट हुआ है दोस्तों। तो ये बेसिकली आपको आप बताना था कि रेलवे में अभी तक 2 करोड़ से ज़्यादा आवेदन भरे जा चुके हैं, और अप्रॉक्सीमेटली ये नंबर है, तो इससे ज़्यादा भी आवेदन आने की संभावना है। तो आप ओवरऑल 2.5 से 3 करोड़ तक फॉर्म भरने की संभावना है। तो दोस्तों आज इस न्यूज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और फ्री का टेस्ट इस वेबसाइट पर दें, ताकि आपको कहीं से भी टेस्ट कोई परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।